आज हम काफी बढ़िया आलू से रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं 10। इन्हें मैंने अच्छे से ठंडा करके कट कर लिया है। मैंने मिक्सी के जार के अंदर ये रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं 1 कप, आधा कप और अच्छे से मैंने इन्हें सेका था। उसके बाद इसका छिलका मैंने पूरा निकाल दिया। इसके बाद इसे आपको अच्छे से दरदरा ग्राइंड करना है। दरदरा करना, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। गैस पे मैंने ये कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। आज की जो रेसिपी हमारे बिना तेल की रहेगी, इसलिए इसको मैं घी से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से ज्यादा टेस्टी लगती है। 2 चम्मच मैंने घी लिया है। इसे मैं व्रत के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच तेल डाले हैं। 6 से 7 हरी मिर्ची बारीक काट के मैंने यूज करी है, थोड़े से फ्रेश कड़ी पत्ता। इन सबको थोड़ा सा भून लीजिए और थोड़ा सा हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का कलर चेंज होने दीजिए। हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। इसी के अंदर 1/4 कप आप रोस्टेड मूंगफली के दाने डाल दीजिए। इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसे भी हम इसके साथ में भून लेंगे ताकि सारी चीजों का जो फ्लेवर है वो मूंगफली के दाने के अंदर अच्छे से आ जाए। देखिए काफी अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। अच्छे से इसे आप मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसी के अंदर हम जो उबले हुए आलू हैं, आलू आपके अच्छे से ठंडे हो जाना चाहिए। गरम गरम रहेंगे थोड़ा सा चिपचिपा बनेगा, ठंडे आलू रहेंगे तो काफी बढ़िया और अच्छे से खिले खिले बने। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे हमें लो और मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनना है, ताकि अच्छे से थोड़े से आलू जो है उनके ऊपर कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी घी की, मसालों की, और थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। लेकिन आलूओं को आपको दबा दबा के मैश करके मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए काफी अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। मुझे इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट का समय भी हो चुका है। ये देखिए कितने बढ़िया आलू दिख रहे हैं हमारे। इसी के अंदर जो हमने मूंगफली के दानों को ग्राइंड करके रखा था, इसे आप इसमें पूरा डाल दीजिए और इसके साथ में इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए काफी अच्छे से ये मिक्स भी हो जाता है और काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप व्रत में नहीं खाना चाह रहे इसे, तो इसमें आप हल्दी, धनिया पाउडर, सारी चीजें डाल सकते हैं। इसी के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी मैं 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। इसी के अंदर मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्टी के हिसाब से इसमें नमक और शक्कर डाल सकते हैं। हल्की सी शक्कर इसमें जरूर डालिए, उससे फ्लेवर जो है इसका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मूंगफली के दाने डालने के बाद भी इसे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक मिक्स करना है। अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए इसे भूनना है, ताकि आलू के ऊपर मूंगफली के दाने की जो कोटिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी और सारे दाने आपके अलग अलग रहेंगे। इस तरह से मैं इसे ढक दूंगी। ढककर मैंने इसे 4 से 5 मिनट कर लिया है। देखिए काफी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। देखिए काफी अच्छे से ये मिक्स भी हो चुका है। इसी के ऊपर मैं धनिया की पत्तियां डाल रही हूँ। धनिया की पत्ती डालने के बाद भी इसे थोड़ा सा भूनिए, ताकि धनिया की जो खुशबू है, धनिया का जो फ्लेवर है, वो हर एक आलू में अच्छे से आ रहा है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी इसमें धनिया का आप यूज कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है, इसे मैंने भून भी लिया है। आप खुद ही देख सकते कलर इसका कितना बढ़िया आया है। आप चाहे इसे बिना लाल मिर्ची के भी आप बना सकते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसके अंदर आप 1 नींबू का रस जो है पूरा अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि हमने शक्कर भी हल्की सी डाली है। 1 नींबू का रस जब इसमें डलेगा तो उसका फ्लेवर जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहे तो ऊपर से भी इसमें नींबू डाल के अलग से आप खा सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया हेल्दी टेस्टी हमारी है आलू की रेसिपी जो है बन के तैयार हो चुकी है। काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और इसे आप अगर खाते तो आपका पेट जो है पूरा दिन आपको भरा भरा लगेगा। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।